हेलो एवरीवन, सो होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। क्लास 10th सोशल स्टडीज हिस्ट्री। सो टुडे क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5th, प्रिंट एंड कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। देखिए, प्रिंटिंग इंडिया में कैसे स्टार्ट हुई, पूरे वर्ल्ड में प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में आज जो है हम जानेंगे। आज की डेट में जो आप प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स, जो भी नोट्स आपके हैं, जो भी आप टेक्स्ट बुक्स देखते हो, जो भी नोटबुक्स देखते हो, ठीक है, पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से, कौन सा पहला कंट्री ऐसा था जहां पर प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, कैसे इंडिया में स्प्रेड हुआ, उन सब के बारे में आज आपको जानने को मिलेगा। तो अपने अपने नोट्स को बनाते रहिएगा बेटा, नोट्स कॉपी लेकर के बैठिएगा। सो लेट स्टार्ट। हियर इट सेज मोर देन 5500 ईयर्स अगो, मतलब 5500 साल से पहले की बात है साहब, पीपल स्टार्टेड राइटिंग। हाउएवर इट टुक टाइम एंड एफर्ट टू राइट मैनुअली और इंस्क्राइब ऑन मटीरियल लाइक स्टोन, लेदर एटसेट्रा। देखिए, स्टार्टिंग तो बहुत पहले से हो गई थी राइटिंग की, बट इसको कहते हैं ना स्टोन, लेदर एटसेट्रा, इस पे लिखने में थोड़ा सा और ज्यादा वक्त हमें लगा। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम आइडियाज एंड नॉलेज वर स्प्रेड ओरली अमंग द मॉसेस। तो पहले जो ज्ञान है बेटा, जो आइडियाज हैं, जो शिक्षा दी जाती थी, वो कैसे दी जाती थी, ओरली दी जाती थी, बोल करके एक जने से दूसरी जगह तक ये पहुंचाई जाती थी। इट वॉज ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग दैट आइडियाज स्टार्टेड टू ट्रेवल फास्टर। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग की शुरुआत हमारे वर्ल्ड में हुई बेटा, तो आइडियाज जो है बहुत तेजी से ट्रेवल करने स्टार्ट हुए। ठीक है, आज मेरी टीचिंग वो कहीं और वर्ल्ड में ही पढ़ी जा सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज की डेट में हम उसको प्रिंट करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नाउ बुक्स, न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ऑटोबायोग्राफीज, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रिमेंडसली टू द वर्ल्ड प्रोग्रेस। अब वर्ल्ड की अगर प्रोग्रेस की बात करें तो क्या ऐसी चीजें हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया बेटा, तो कई सारी चीजें। सबसे पहला आपकी बुक्स देख लीजिए, न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट देखिए, ये सब वो चीजें हैं जिसके बारे में पढ़ के या जिसके थ्रू आप वर्ल्ड को और बेहतर तरीके से जानते हो। कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ है, हमें कैसे पता लगा, हमने उसके बारे में पढ़ा, ठीक है, तब उन्हें जानकारी मिली। और इन सब में सबसे मेन रोल किसका आता है, आपके प्रिंट एंड कल्चर का, राइट। सो सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हुआ प्रिंटिंग, उसके बारे में अपन जानेंगे। सो इट स्टार्टेड इन चाइना, इट इज बिलीव टू बी स्टार्टेड इन चाइना फर्स्ट, ऑल दो द सुमेरियन सिविलाइजेशन यूज सम प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ प्रिंटिंग, चाइना इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ प्रिंटिंग। देखिए, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, विच कंट्री प्रिंटिंग इज स्टार्टेड इन विच कंट्रीज फर्स्ट, ठीक है, तो आप बताओगे जी चाइना। चाइना इज बिलीव्ड टू स्टार्ट द प्रिंटिंग कल्चर फर्स्ट। नाउ सबसे पहले जो कल्चर किया गया स्टार्ट, प्रिंटिंग जो स्टार्ट की गई, वो बेटा कैसी थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, ठीक है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑरिजिनेटेड इन दिस कंट्री। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, एक लकड़ी का बेटा मोहर जैसी होती है, स्टैंप जैसा होता है, ठीक है, उस पर कुरेद करके, इंस्क्राइब करके जो है वो कोई भी लेटर को लिखा जाता है, ठीक है, और उसको इंक में डुबो करके फिर जो है वो प्रिंट किया जाता था, ठीक है। दैट वॉज एक्चुअली द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जो कि फर्स्ट स्टार्ट हुई कहां पर, चाइना में। नाउ इन चाइना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 594 AD ऑनवर्ड्स। कब स्टार्ट हुई थी, ईयर वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, दैट इज 594 AD में स्टार्ट ये सबसे पहले हुई थी। एंड वेन एडी इज एनडोमनी, एंड वेन द टैंग डायनेस्टी केम टू बी पावर इन 618 AD द एम्परर्स इमेंसली हेल्प्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। देखिए, स्टार्ट कहां हुई, 594 AD में, ठीक है, लेकिन जैसे टैंग डायनेस्टी ने टेक ओवर किया था चाइना में, तो इन्होंने इस कल्चर को और ज्यादा स्प्रेड किया, और ज्यादा इसको इनोवेट करा, ठीक है, और ज्यादा इसमें को इवॉल्व करा, और बहुत ज्यादा स्प्रेड इसको किया था, ठीक है। ऐसे ये पहुंचा कहां पर बेटा जी, जापान में। अब जापान के साथ में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ो। इन जापान द चाइनीज मिशनरीज प्रोपगेटेड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग टू स्प्रेड बुद्धिज्म। देखिए, जापान में बुद्धिज्म कल्चर को स्प्रेड करने के लिए प्रिंटिंग को बहुत ज्यादा यूज किया गया था, ठीक है जी। This is how a hand printing technology came to Japan from 768 onwards. देखिए, हर एक देश में कब यह स्टार्ट हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनिशियल ईयर से इनके, इनको आपको याद करना होगा बेटा, ठीक है। तो जैसे आपने चाइना के बारे में पढ़ा था, दैट स्टार्टेड इन 594 AD, एंड वी टॉक अबाउट दी जापान, सो इट स्टार्टेड इन 768 AD, ओके। नाउ डायमंड सूत्रा इज रिगार्डेड एज द अर्लीएस्ट नोन प्रिंटेड जैपनीज बुक। इस पर एमसीक्यू आया हुआ है बच्चों आपके प्रीवियस एग्जाम में, कि कौन सी ओल्डेस्ट जैपनीज बुक है
जिसको प्रिंटेड माना गया है, जो बुद्धिज्म को स्प्रेडिज्म सेट स्प्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है. सो दैट वॉज एक्चुअली द डायमंड सूत्र. इसका नाम याद रखिएगा बच्चा, डायमंड सूत्र इज रिगार्डेड एज द अर्लीएस्ट नोन प्रिंटेड जैपनीज बुक. ठीक है, अर्लीएस्ट नोन जैपनीज बुक. दिस बुक इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक. इसको सबसे ज्यादा पुरानी किताब माना जाता है वर्ल्ड की प्रिंटेड. डायमंड सूत्र नाम याद रखिएगा बेटा. ठीक है, इट वॉज डेटेड May 11, 868 AD. तो कब ये प्रिंट की गई थी, ये डेट भी अपन याद रखेंगे, 11th of May 868 AD में इसको प्रिंट कराया गया था. ठीक है जी. नाउ हाउ दिस प्रिंटिंग स्प्रेड इन यूरोप, देखिए आइए इसके बारे में पढ़ेंगे. सो एज यू हैव रेड प्रीवियसली, चाइना सप्लाइड सिल्क मटेरियल्स टू यूरोप. ठीक है, द रूट थ्रू विच द ट्रेडर्स ऑफ चाइना मेट बायर्स ऑफ द वेस्ट एंड वाइस वर्सा इज नोन एज द सिल्क रूट. सिल्क रूट के बारे में अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था. क्या पढ़ा था, कि कई सारे ऐसे रूट्स बेटा डेवलप किए गए थे जहां से ट्रेड को और कल्चर को स्प्रेड किया जाता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक. ठीक है, ऐसे ही यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में भी सिल्क रूट के थ्रू ही ये ट्रेड प्रिंट कल्चर जो है वो स्प्रेड हुआ था. देखिए आइए इसको दोबारा पढ़ेंगे एक बार. एज यू हैव रेड प्रीवियसली, चाइना सप्लाइड सिल्क मटीरियल्स टू यूरोप, द रूट थ्रू विच द ट्रेडर्स ऑफ चाइना मेट बायर्स ऑफ द वेस्ट एंड वाइस वर्सा इज नोन एज द सिल्क रूट, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले चैप्टर्स में. इट इज थ्रू दिस सेम रूट द चाइनीज पेपर ट्रेवल टू यूरोप. और यही वो बेटा रूट था जहां से चाइनीज पेपर जो है वो ट्रेवल हुआ और कहां तक पहुंचा, यूरोप में. देखिए किस किस तरीके से कल्चर स्टार्ट होकर के ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंच रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. सो बिफोर दिस इन यूरोप वेलम एंड एनिमल स्किन वॉज यूज टू राइट ऑन. अच्छा, पेपर से पहले क्या चीज यूज की जाती थी जिस पर हम जो है वो इसको लिखा करते थे, तो बेटा वो है एनिमल की स्किन या फिर वेलम. ठीक है, ये वो चीजें थी जिस पर हम लिखा करते थे यूरोप में. बट इट वॉज एक्सपेंसिव एंड कैटर्ड ओनली टू द एरिस्टोक्रेट्स. लेकिन ये जो वेलम है या फिर जब हम बात करें एनिमल स्किन है, ये बहुत कॉस्टली बेटा मटेरियल होता था जो कुछ रईस लोग ही जो है उसको अफोर्ड कर सकते थे. नॉर्मल पीपल जो हम लोग हैं वो पेपर वर्क लिख सकते थे. वेपल जो वेलम है और साथ ही साथ जो एनिमल स्किन है, दैट वाज एक्चुअली टू कॉस्टली जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे. ठीक है, सो 1925 पेंटिंग वॉज ब्रॉड बैक टू इटली बाय मार्को पोलोस नॉलेज, बट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिक्रीज एज वुड ब्लॉक पेंटिंग स्प्रेड इन इटली. ठीक है जी. सो यहां पर एक स्पेशल लाइन है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको स्टार मार्क करेंगे. इन 1925 पेंटिंग वॉज ब्रॉड बैक टू इटली बाय मार्को पोलोस नॉलेज. भाई मार्को पोलो ही वो पर्सन थे जो एक्चुअली में पेंटिंग को वापस लेकर के आए, प्रिंटिंग जो कल्चर था उसको वापस लेकर के आए कहां पर, इटली के. बट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिक्रीज एज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्प्रेड इन इटली. अब पेंटिंग की अगर हम बात करें तो हर एक आर्टिस्ट की पेंटिंग बेटा पहले बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करती थी, लेकिन जब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कल्चर स्प्रेड हुआ उस समय पर इस पेंटिंग की कॉस्ट भी क्या हुई, डिक्रीज हुई बेटा. आइए सब बात करेंगे अपन गुटेनबर्ग के बारे में, बहुत स्पेशल योगदान है इनका, इसके बारे में आज अपन जानेंगे. इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आपका आता है, सो इसको बहुत स्पेशल तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ वुड ब्लॉक कुड ओनली हेल्प प्रिंटिंग इन अ लिमिटेड वे एज द डिमांड इंक्रीज द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रूव्ड इनकैपेबल ऑफ हैंडलिंग टू मच लोड. दिस इज वेयर जोहान्स गुटेनबर्ग केम इन टू द सीन इन 15th century. देखिए बच्चा, जब मैंने आपको ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बताया, एक्चुअली में एक बहुत टाइडियस प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है. ठीक है, इससे बहुत कम प्रिंटिंग की जाती है और जब डिमांड बढ़ने लगी प्रिंटिंग की, ठीक है, तो उस केस में ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है बेटा उससे अपन उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. हियर कम्स दी जोहान्स गुटेनबर्ग. कब आए थे, 15th century में. इन्होंने एक स्पेशल इन्वेंशन किया था जिसके बारे में अपन जानने वाले. ठीक है, देखिए गुटेनबर्ग हु ग्रू अप इन एग्रीकल्चरल एस्टेट सो हाउ द ग्रेप्स एंड ऑलिव्स वर प्रेस्ड टू एक्सट्रैक्ट द लिक्विड्स. देखिए जो इंक यूज की जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी, उसको बनाने के लिए ग्रेप्स का और ऑलिव्स के एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता था और उससे इंक बनाई जाती थी. ठीक है, ही बिकेम अ गोल्ड स्मिथ एंड यूज्ड टू क्रिएट लीड माउंट मोल्ड्स टू प्रोड्यूस ट्रिंकेट्स
ऑफ हिज डिजायर्ड शेप. अब ये क्या करते थे सब, ये गोल्ड स्मिथ थे, एक सुनार हुआ करते थे, और वो कई सारे मोल्ड्स उन्होंने क्रिएट करे. मोल्ड्स का मतलब होता है खांचे, ठीक है, जिसको अपन फिल करके उसमें कोई भी लेटर को जो है वो इंस्क्राइब कर सकते हैं. गुटेनबर्ग ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द अबव टू वर्क्स एंड मेड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस. वेरी स्पेशल लाइन. तो जोहान्स गुटेनबर्ग, ही वॉज अ पर्सन जिसको जाना जाता है बेटा वर्ल्ड की सबसे नंबर वन, सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई थी वो जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा ही बनाई गई थी. ठीक है, अब इसमें कैसे प्रिंटिंग की जाती थी उसके बारे में पढ़ेंगे. सो इट सेज यूज्ड मोल्ड्स टू मेक मेटल्स रिसेम्बलिंग द अल्फाबेट. इन्होंने मोल्ड्स का यूज किया, मोल्ड्स मतलब खांचों का, और उसमें अल्फाबेट्स को जो है वो इन्होंने ढाला. ठीक है, नाउ यूज्ड अ प्रेस सिमिलर टू ऑलिव प्रेस टू प्रेस द पेपर अगेंस्ट द इंक मेटल टाइप्स. अब इन्होंने एक तरीके का स्पेशल प्रेस यूज करा, प्रेस, ठीक है, कि जब वो खांचे में लेटर्स को जो है वो बनाया जाता था उसके बाद में उसको प्रेस किया जाता था पेपर के ऊपर में. ठीक है, जैसे कि ऑलिव्स को प्रेस करते थे इंक निकालने के लिए, वैसे ही सेम तरीके से जो इंस्क्राइब जो आपने वो बनाया था स्कल्चर उसको भी अल्फाबेट्स को अपन पेपर पे प्रिंट कर सकते थे. सो देर आर रीजंस व्हाई गुटेनबर्ग्स प्रेस इज नोन एज अ रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन. देखिए जो गुटेनबर्ग की जो ये डिस्कवरी थी, ये जो इन्वेंशन था, इसको बहुत ज्यादा उस समय पर प्रेज भी किया गया और इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड भी किया गया बेटा. ठीक है, एक रेवोल्यूशन सा था ये प्रिंट कल्चर में, वो क्यों था उसके बारे में अपन जानेंगे. सो इट सेज द वुड ब्लॉक्स वर नॉट मूवेबल एंड हैंस प्रिंटिंग विद देम वाज इनएफिशिएंट. देखिए जी, वुड ब्लॉक्स थे, भारी हुआ करते थे, इमूवेबल हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाए जा सकते थे, इसलिए ये ज्यादा फीजिबल नहीं माना जाता था. इट टुक टू मच टाइम टू मेक वुड ब्लॉक इटसेल्फ. एक एक वुड ब्लॉक को ढालने के लिए बहुत समय लगता था. ठीक है, थर्डली द वुडन ब्लॉक्स वर नॉट सो ड्यूरेबल. और साथ ही साथ वुडन ब्लॉक्स जो थे बेटा वो क्या थे, ड्यूरेबल भी नहीं हुआ करते थे, टूट सकते थे, ठीक है, खराब हो जाते थे, घिस जाते थे, ये इनकी एक समस्या थी. सो गुटेनबर्ग यूज्ड मेटल एज अपोज्ड टू वुडन ब्लॉक्स. अब गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसमें क्या स्पेशल था बच्चों, उसमें उसने वुडन ब्लॉक्स को रिप्लेस करके क्या डाला, मेटल से अल्फाबेट्स को इंस्क्राइब करना स्टार्ट किया. दीज मेटल मेड अल्फाबेट्स वर मूवेबल सो वन कैन यूज द सेम सेट ऑफ अल्फाबेट्स टू प्रिंट वेरियस सेंटेंसेस. अब ये मेटल के जो अल्फाबेट्स बनाए गए थे बेटा मूवेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकते थे, तो ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट भी किए जाते थे और एक ही प्रिंटिंग मशीन को आप दूसरी जगह पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते थे. ठीक है, इसी तरीके से इनका जो प्रिंटिंग प्रेस है वो और ज्यादा स्प्रेड भी कंट्रीज में हुआ था. Now, Gutenberg's printing press brought about the print revolution. Later in the 16th century, 200 million copies of printed books were circulation. तो ये कितनी तेजी से जो है वो ये स्प्रेड हुआ बच्चा, कि करीबन करीबन अगर हम बात करें 16वीं सदी तक, ठीक है, 16वीं जो सदी थी 16th सेंचुरी थी, 200 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स जो है उनको सर्कुलेशन किया जाने लगा. ठीक है, नाउ द प्रिंट रेवोल्यूशन. हमारे यहां पर अगर हम देखें तो सब प्रिंट रेवोल्यूशन जो है वो कैसे आया, देखिए ऑब्वियसली गुटेनबर्ग का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, उसके बारे में अपन अब जानने वाले हैं. सो देर वॉज नो इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स इन 16th ऑफ सेंचुरी. बुक्स बिकेम द मीडियम फॉर स्प्रेडिंग आइडियाज एंड नॉलेज. आज की डेट में हम बात करें अगर कोई भी मैसेज होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो हम तुरंत जान पाते हैं, यानी वर्ल्ड के किस कोने में क्या चल रहा है आज हम बैठे बैठे यहां पर जान सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और भी कई सारे मीडियम हैं. लेकिन जब 16th सेंचुरी की बात करें उस समय पर क्या ऐसी चीज थी जिससे ये चीज जो है वो और ज्यादा स्प्रेड हुई उसके बारे में जानेंगे. तो वो थी बेटा जी प्रिंटिंग और बुक्स. मोर बुक्स केम इन टू द मार्केट वेन द कॉस्ट ऑफ बुक्स वॉज रिड्यूस. देखिए सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इनको छापने का काम और छापने का जो कॉस्ट है वो कम होती गई और छापना और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा, जो प्रिंटिंग थी वो और ज्यादा स्प्रेड होने लगा, तो इनकी जो कहते हैं ना पॉपुलैरिटी वो और ज्यादा मार्केट में होने लगी और इनकी डिमांड भी मार्केट में क्या है बढ़ने लगी. नेक्स्ट, अ न्यू लीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड हु हैड रिलाई ऑन ओरल मेथड्स अर्लियर टू गेट न्यू आइडियाज एंड नॉलेज. अब जैसे आज की डेट में अपन लोग होते हैं बेटा, कोई नया स्मार्टफोन आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नया टैब आता है, हम लोग बड़े क्यूरियस होते हैं, ठीक है, कि यार ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसमें नया गेम आ रहा है तो हम उसको खेलेंगे. ठीक है, अब पहले क्या था, ये प्रिंटिंग जो है बुक्स जो है बहुत ज्यादा नई थी बच्चा,
और इसके चलते इसको जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लिया गया, बहुत लोग क्यूरियस हुआ करते थे किताबें पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके की। ये वो लोग थे जो पहले ओरल कल्चर पर बिलीव किया करते थे कि भाई हम बोल करके अपने इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अब इनका भी जो रुझान था वो बुक्स को पढ़ करके और समझने में आ गया था। नाउ टू मेक द बुक्स पॉपुलर इवन टू इलिटरेट पीपल द प्रिंटर्स हैवली रिलाइड ऑन इलस्ट्रेशंस दैट वुड अट्रैक्ट द दीज पीपल। देखिए उस समय पर भी इलस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, ठीक है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझें और ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को स्प्रेड भी करें, ठीक है। देन दीज बुक्स वर रेड अलाउड सो दैट द इलिटरेट पीपल कुड नो व्हाट वाज रिटन इन द बुक। कई लोग ऐसे थे जो पढ़ नहीं पाते थे बेटा, उस केस में इन बुक्स को रीड अलाउड यानी पढ़ करके सुनाया जाता ताकि वो भी उस बुक्स के बारे में समझ सके। रिलीजियस इंप्लीकेशन, द बुक टॉक्स अबाउट हाउ द चर्च वॉज अगेंस्ट प्रिंटिंग एंड एवरी आइडिया अंडर द सन, बट लेट अस गो अ लिटिल बैक इन टाइम। जैसे कि वेजस ल्यूलेविसियस इन्फॉर्म्स अस दैट गुटेनबर्ग वॉज अ क्लेवर बिजनेसमैन। देखिए एक राइटर थे, इन्होंने बताया कि गुटेनबर्ग एक्चुअली में कौन थे, वो एक क्लेवर बिजनेसमैन थे। ही अप्रोच द रोमन कैथोलिक चर्च टू शो हाउ इज प्रिंटिंग प्रेस कैन प्रोपोगेट द टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चर्च। सो इन द बिगनिंग द प्रिंटिंग प्रेस एंड द चर्च वर फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग जब हुई थी बटे जी, तो गुटेनबर्ग ने चर्च को अप्रोच किया कि भाई जो भी आपके मेथड्स हैं, जो कि आपकी टीचिंग्स हैं, उसको जब आप लिख करके प्रिंट कल्चर के थ्रू स्प्रेड करोगे तो और ज्यादा टीचिंग्स जो है वो आपकी स्प्रेड होंगी। तो जब इनिशिएट हुआ था बेटा, स्टार्ट जब हुआ था प्रिंट कल्चर, उस समय पर चर्च एंड प्रिंटिंग दोनों क्या थे, फ्रेंड्स हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि चर्च की जो टीचिंग्स थी उनको लिख करके दूसरी जगह पर भेजा भी जाता था। इट वॉज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ गुटेनबर्ग that the printing press started to be used by the Protestant like Martin Luther. अब जैसे ही गुटेनबर्ग की डेथ हुई, तब प्रोटेस्टेंट्स जो है वो प्रिंटिंग प्रेस को अपने तरीके से यूज करने लगे, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। ऐसे मार्टिन लूथर भी थे बेटा। सो द रोमन कैथोलिक चर्च लेटर कंक्लूडेड दैट लो कॉस्ट प्रिंटेड बुक्स वुड स्प्रेड एंटी क्रिश्चियन आइडियाज एंड अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। अब चर्च के जो लोग थे बेटा जी, वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे इस चीज को लेकर के, ठीक है। चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह थे उनसे इसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो इनसिक्योर हुए, क्योंकि एक्चुअली में एज सून एज द गुटेनबर्ग डाइड, तो जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी उसमें एंटी क्रिश्चियन आइडियाज को स्प्रेड किया जाने लगा था, ठीक है। अब लोग उनको जब पढ़ते थे, बाइबल के अलग मायने हुआ करते थे उस समय पर, जब ये लोग पढ़ते थे उसको, तो लोगों को एंटी क्रिश्चियन जो मूवमेंट है या फिर एक तरीके से जो बिलीफ है वो लोगों में स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। इसके चलते ये लिखा गया था बेटा कि स्टार्टिंग में चर्च और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो फ्रेंड्स थे, लेटर ऑन ये दोनों क्या हुए, राइवलरीज हुए हैं। नाउ रीडरशिप इंक्रीज इन 17th एंड 18th सेंचुरी। थोड़ा और आगे चलेंगे समय में और रीडरशिप कल्चर के बारे में और ज्यादा जानेंगे। देखिए ये जो रीडरशिप इंक्रीज हुई वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई। एज लिटरेसी इंक्रीज इन 17th एंड 19th सेंचुरी द नंबर ऑफ रीडर स्काई रॉकेटेड। देखिए स्काई रॉकेटेड मतलब कि बहुत तेजी से स्प्रेड हुए, बहुत तेजी से बढ़े जैसे जैसे प्रिंटिंग जो है वो और ज्यादा पॉपुलर हुई। मैनी स्कूल्स वर सेटअप सो दैट डिमांड फॉर चिल्ड्रंस बुक ऑल्सो इंक्रीज। कई सारे ऐसे स्कूल्स बेटा उस समय पर सेटअप हुए और जो किताबें थी उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने भी लगी। नाउ फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड्स वी सी दैट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स स्टार्टेड इमर्जिंग। देयर वर चैप बुक्स, देखिए चैप बुक्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, विच वर हाईली चीप बुक्स मेंट फॉर पुअर पीपल। अब गरीब लोग भी, अपन जो लोग थे बेटा गरीब लोग, बेसिकली वो भी इन किताबों को खरीद सकते थे। कैसे? कि सस्ती किताबें हुआ करती थी, ठीक है, कुछ रिसाइकल पेपर्स पर, कुछ सस्ते पेपर पर इनको जो है वो बनाया जाता था, लिखा जाता था, उसको पढ़ करके आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते थे। तो चैप बुक्स का नाम याद रखेंगे, दैट इज हाईली चीप बुक्स, ठीक है, जो गरीबों के लिए बनाई जाती थी। आगे देखते हैं जी। सो व्हाट इट सेज नेक्स्ट, पीरियोडिकल्स टू केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स स्टार्टेड गेटिंग प्रिंटेड एंड मेनी अदर साइंटिफिकली माइंडेड पीपल गॉट एक्सेस टू दीज डॉक्यूमेंट। सिमिलर वॉज द केस ऑफ फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल बुक्स। देखिए कई सारे जो पॉलिटिकल आइडियाज थे वो भी इन किताबों के थ्रू स्प्रेड किए गए। कई सारे जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी प्रिंट किया जाने लगा। कौन सा इन्वेंशन कब हुआ, क्या थ्योरी थी, वो सब भी अब जो है अपन एक प्रिंटेड फॉर्म में देख सकते थे, ठीक है।
नाउ रिवोल्यूशन एंड प्रिंट के बारे में जानेंगे बेटा. द प्रिंटेड बुक्स स्प्रेड प्रोग्रेसिव आइडियाज अक्रॉस यूरोप थैंक्स टू पीपल लाइक वोल्टेयर एंड रोसियो. पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, दे स्टार्टेड वंडरिंग इफ द एम्परर्स वर डिवाइनली ब्रेस्ट. देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेयर एंड रोसियो के बारे में. एक्चुअली में इनका क्वेश्चन क्या था कि वास्तविकता में क्या एम्परर्स जो है वो एक डिवाइनली ब्लेस्ड लोग हैं? क्या वास्तविकता में ये वो लोग हैं जिनको खुद भगवान ने जो है वो ब्लेस किया हुआ है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इनके दिमाग में चीजों को पढ़ करके जो है वो आने लगे. पीपल लर्न टू यूज रीजन एंड लॉजिक. अब लोगों का दिमाग और बेटा डेवलप हुए, थिंकिंग जो है वो और डेवलप हुई. जैसे जैसे उन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, उनके दिमाग में एक और चीज स्प्रेड हुई कि वास्तविकता में एक ही एरिस्टोक्रेसी जो है वो एक्चुअल में क्यों है. ठीक है, एरिस्टोक्रेसी जो है वो क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करती है, वो भी उनके दिमाग में आने लगे. हर चीज के पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो पढ़ करके उसको समझना चाहते थे. दे स्टॉप्ड बिलीविंग व्हाट द किंग्स और चर्च सेड. अब उनका दिमाग ये कहता था बेटा, जो उनकी थिंकिंग थी वो इस तरीके से डेवलप हुई कि चर्च ने जो पढ़ाया और जो किंग कहता है, क्या वास्तविकता में वो हमेशा सही है? क्या इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि कभी चर्च या किंग गलत भी हो? नाउ स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियल्स इज थ्रू बुक्स एक्टेड एज कैटलिस्ट फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड लेटर नेशनलिस्टिक रिवोल्यूशन. देखिए जब ये किताबें पढ़ करके लोगों के दिमाग में और आइडियाज डेवलप हुए, उस समय पर इन्होंने एक कैटलिस्ट का काम किया. कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसी चीज जो रिएक्शन को और ज्यादा बढ़ाती है. ठीक है, तो यही किताबें जो थी बेटा, प्रिंटेड बुक्स थी, इन्होंने जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था, जो नेशनलिस्टिक रिवोल्यूशन थे, उसको और बढ़ावा देने में एक कैटलिस्ट की तरह काम किया. यस द चर्च ऑल्सो स्प्रेड प्रोपेगेंडा थ्रू प्रिंटेड बुक्स बट द पीपल हैड ऑलरेडी लर्न टू टेक एवरीथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. एज टाइम प्रोग्रेस प्रिंट टेक्नोलॉजी बिकेम मोर एडवांस. रिचर्ड हो मेड द रोटरी प्रिंटिंग प्रेस एफिशिएंट. देखिए गुटेनबर्ग थे, उसके बाद में दूसरा नाम आता है रिचर्ड रो का. इन्होंने भी बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था प्रिंटिंग प्रेस को और ज्यादा डेवलप करने में. ही एम्प्लॉयड फोर सिलेंडर्स. इन्होंने क्या किया जी, चार सिलेंडर्स को यूज किया, वन फॉर द टाइप एंड थ्री फेड द पेपर इन द काइंड. ठीक है, दिस मेड प्रिंटिंग 8,000 शीट्स ऑफ पेपर पर आर पॉसिबल. देखिए कितनी जबरदस्त प्रिंटिंग जो है वो स्टार्ट हुई और डेवलप हुई. पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसमें कई समय, कुछ ज्यादा समय लगता था एक एक किताब को छापने में. अब आज की डेट में जब फोर सिलेंडर प्रिंटिंग यूज करने जाएगी तो 8,000 शीट्स हर घंटे जो है वो प्रिंट की जा सकती थी. ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट गेव वे टू कलर्ड प्रिंटिंग. और धीरे धीरे करके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग जो सादी प्रिंटिंग हुआ करती थी, वो भी अब क्या होने लगी, कलर्ड प्रिंटिंग होने लगी. ठीक है, नाउ हमारे इंडिया में कैसे आया जी प्रिंट कल्चर, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे. सो बिफोर द प्रिंट कल्चर केम टू इंडिया, इंडियंस लिवरेज मैन्यूस्क्रिप्ट. दीज मैन्यूस्क्रिप्ट वर मेनली मेड ऑफ पाम लीव्स. एक्चुअली मैन्यूस्क्रिप्ट किस पे लिखी जाती थी, पाम के लीव्स के ऊपर लिखी जाती थी. तो जब पेपर वगैरह इंडिया में प्रिंट वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले पाम की लीव्स के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग की जाती थी. नाउ प्रिंटिंग प्रेस वॉज बॉट बाय पोर्टुगीज मिशनरीज टू इंडिया गोवा. तो बात की जा रही है साहब कि कहां से इंडिया में स्प्रेड हुआ, कहां से इंडिया में स्टार्ट हुआ प्रिंटिंग. तो दैट वॉज ब्रॉट बाय पोर्टुगीज फ्रॉम गोवा. सो गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने प्रिंटिंग जो है वो इंडिया में स्टार्ट किया था. द इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस वॉज लेट टू इमर्ज. इंडियंस टू स्टार्टेड प्रिंटिंग न्यूज़पेपर लाइक बंगाल गैजेट. कई सारे तरीके के न्यूज़पेपर हमारे यहां पर भी स्प्रेड होने लगे, प्रिंट होने लगे बेटा, जैसे कि बंगाल गैजेट उसमें से एक है. वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर अपीयर्ड सच एज राजा राम मोहन रॉयज संवाद कौमुदी. देखिए ये इनके न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स के नाम है, इनको याद करेंगे. ठीक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय की बात की जाए तो उन्होंने कौन सा पेपर जो है स्टार्ट किया था, दैट वॉज संवाद कौमुदी. पर्शियन न्यूज़पेपर जिसमें आता है शामसुल अकबर अखबार. देन गुजराती लैंग्वेज न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार. ठीक है, ये कुछ उस टाइम के फेमस न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, पीरियोडिकल्स हुआ करते थे, जिनको वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में छापा जाता था. हियर टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स पब्लिश प्रोपेगेंडलिस्ट मूवमेंट. देखिए मटीरियल्स, देखिए क्या गजब की बात है साहब, हिंदू लोगों ने अपने तरीके से टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए प्रिंटिंग कल्चर का यूज किया, मुस्लिम लोगों ने अपने टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए प्रिंटिंग कल्चर का यूज किया. नाउ
होली रिलीजियस टेक्स्ट लाइक रामचरितमानस केम आउट इन द प्रिंटिंग फॉर्म। अब यही वो समय था जब इंडिया में रामचरितमानस जो है उसको भी प्रिंटिंग फॉर्म में लाया जाने लगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जी, दैट इज द कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स इन न्यूज़पेपर्स आर नॉट अ मॉडर्न फिनोमेना। फ्रॉम 1870 ऑनवर्ड्स न्यूज़पेपर कैरीड स्टैटिस्टिकल कार्टून्स। देखिए साहब, कार्टून्स जो आज की डेट में अपन न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, कुछ छोटे छोटे बने हुए होते हैं, कैरिकेचर्स होते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में अभी इमर्ज नहीं हुए, ये 1870 से ही बेटा पेपर्स में जो है वो इन ह्यूमरस वे इनको बनाया जाता था। और यही वो चीज है जिसकी वजह से जो अंग्रेज लोग हैं बेटा बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी हुए थे, क्योंकि ये वो समय था जब कई ऐसे प्रिंटिंग प्रेसेस थे जिन्होंने इन कार्टून्स को यूज किया था कॉलोनियल पीरियड के समय पर, जो भी हमारे साथ में बेटा एक्सप्लोटेशन किया जाता था उसको दिखाने के लिए। तो जब लोग वो पढ़ते थे देखते थे तो लोगों में उसको पढ़ करके नॉलेज वो है जागती थी, और इससे अंग्रेज लोग जो है वो और ज्यादा इनसिक्योर भी हुए थे इंडिया में। वुमेन टू वर एनकरेज टू रीड बाय देयर लिबरल फादर्स और हस्बैंड इन ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड दे सीक्रेटली लर्न टू रीड मैनी बुक्स मेंट फॉर वुमेन रीडर्स केम अप। हाउएवर सम ऑफ दीज बुक्स वर अबाउट वुमेन एंड नॉट इंक्रीजिंगली फॉर वुमेन। देखिए कई सारी ऐसी किताबें थी जो केवल और केवल वुमेन के लिए भी स्प्रेड हुई, कैसे विमेन को सोसाइटी में रहना चाहिए, ठीक है। अब विमेन को उस समय पर बेटा ज्यादा जो विमेन एजुकेशन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन कई ऐसे विमेन थे उस समय पर भी जिन्होंने सीक्रेटली स्टडी करना स्टार्ट किया था, बुक्स को सीखा पढ़ना और फिर उनको बुक्स को स्टार्ट भी किया पढ़ना। कई सारी ऐसी लेडीज है जिन्होंने खुद की बुक्स भी उस समय पर प्रिंट भी करी थी। इन एक्सपेंसिव प्रिंटेड बुक्स क्रिएटेड टू पुअर पीपल। नाउ पीपल लाइक ज्योतिबा फूले, बी आर अंबेडकर पब्लिश बुक्स ऑन सोशल इश्यूज। कई सारे ऐसे और भी लोग थे बेटा जी, जैसे कि ज्योतिबा फूले हुए, ये सोशल एक्टिविस्ट थे, बी आर अंबेडकर हुए, इन्होंने भी उस समय पर कई सारे सोशल इश्यूज को लेकर के लाइक सती प्रथा, ठीक है, रीमैरिज ऑफ विडोज, ऐसी कई सारी चीजों को लेकर के इन्होंने जो है वो बुक्स को पब्लिश कराना स्टार्ट भी किया था, ठीक है जी। मफलिंग द प्रिंट। नाउ ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स द कंपनी साइलेंस पीपल लाइक हिकी who criticized the company's way of work. After the Sepoy mutiny, the British started censoring the Indian newspaper and radical. जैसे मैंने आपको बताया था जी कि भाई जब Sepoy mutiny फैल रहा था, जब Sepoy mutiny spread हो रहा था, उसके बाद से जो colonial जो culture था या colonial जो government थी वो actually बहुत ज़्यादा insecure हो गई थी, तो उन्होंने censorship जो है वो लागू की थी। censorship के under में क्या होता था कि जो भी न्यूज़पेपर अगर कॉलोनियल पीरियड के या कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी प्रिंट करता था उसको जो है वो बैन कर दिया जाता था प्रिंटिंग को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेंसरशिप। सो आफ्टर द सिपॉय म्यूटिनी द ब्रिटिश स्टार्टेड सेंसरिंग द इंडियन न्यूज़पेपर एंड रेडिकल बुक्स। इन 1878 द ड्रॉकोनियन वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट वॉज पास दैट सीरियसली अंडरमाइंड प्रेस फ्रीडम। अब एक स्पेशल तरीके का जो है वो एक्ट पास हुआ जिसे कहते हैं वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, जिसमें जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी देखिए वो बहुत ज्यादा बैन हुई, बहुत ज्यादा हिंदर हुई। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है, देखिए प्रेस को ये आजादी होती है कि जो भी समाज में चल रहा है वो उसको अनबायस्ड होकर के दिखाए, ठीक है, लेकिन जब सेंसरशिप लागू हुआ था उस समय पर वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट ये लगाया गया था जिसमें जो चाहे प्रिंटिंग प्रेस वो छाप नहीं सकती थी, ठीक है, अगर कुछ भी अगेंस्ट में जाता था बेटा तो उस चीज को जो है वो नहीं छापा जा सकता था, ओके। सो द मोर द ब्रिटिश ट्राइड टू साइलेंस द नेशनलिस्टिक प्रेस द मोर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर एंड बुक्स केम आउट। अब खूब कोशिश, हर संभव प्रयास कर लिया जी ब्रिटिशर्स ने एक कैसे भी करके हम प्रेसेस को जो है वो बैन कर सकें या न्यूज़पेपर प्रिंटिंग को जो है वो हम बैन कर सकें, लेकिन जितने ज्यादा बैन किए उतने ज्यादा नए नए न्यूज़पेपर उस समय पर प्रिंटिंग स्टार्ट हुई बेटा। Now, the more the British, okay then, for example, Bal Gangadhar Tilak, during this time wrote Kesari to voice the Indian nationalist movement. ऐसे ही एक बहुत जबरदस्त social activist थे बेटा, एक freedom fighter थे Bal Gangadhar Tilak, उन्होंने उस समय पर पंजाब केसरी नामक जो है वो paper जो है print करना start किया था, जिसमें अपनी आवाज जो है वो उठाते थे और लोगों तक जो भी हमारे साथ exploitation हो रहा है उसको वो समझाया करते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर के हमने कुछ नोट्स पढ़े बेटा जी, ठीक है, आई होप आपको इस चैप्टर के बारे में समझ आया होगा बेटा, इन नोट्स से आपकी काफी मदद होगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है, जो आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।